सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू वन सीक्रेट कैमरा ट्रिक जो हम सबके कैमरा में है, 90% जितने कैमरा है मार्केट में सब में है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट. और अगर हम उसे यूज़ करेंगे देन डेफिनेटली इट विल हेल्प अस इन गेटिंग बेटर इमेजेस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय गाइस, वेलकम टू द नेचुरल एंगल. माय नेम इज हितेश. इस वीडियो में आई विल टेक यू टू अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर ऑफ कैमरा जो 90% लोगों को नहीं पता है. मुझे भी वो भी कुछ टाइम पहले ही पता लगा है. वो जब आप ये सेटिंग खुद यूज करोगे तो आपको पता लगेगा. नाउ आई विल टेक यू टू द कैमरा स्क्रीन एंड आई विल शो यू व्हाट आई मीन. सो नाउ लेट मी टेल यू प्रैक्टिकली कि जो मैं कह रहा हूँ हाउ इट कैन हेल्प यू एंड हाउ इट विल चेंज योर कंप्लीट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर कैमरा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बाहर हूँ एंड आई वॉन्ट टू कीप द ISO ऑटो, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि 400 से ऊपर ना जाए. ठीक है, सो इन दैट केस अगर मैं नॉर्मल सेटिंग्स यूज़ कर रहा हूँ तो पहले मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, देन आई हैव टू सेलेक्ट द ISO टू 400. और उसके बाद वाइल टेकिंग द इमेज, जैसे मेरे को पता लगा कि मैंने इमेज क्लिक करने की कोशिश करी है बट द कार्ड इज़ फुल, नाउ आई नीड टू इरेज द इमेज. ठीक है, देन अगेन मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि इरेज इमेजेस वाला कहाँ पे है. एंड हाँ, जैसे ये है, उसके बाद मेरे को इरेज इमेज सेलेक्ट करके देन वहाँ से इमेजेस को डिलीट करना पड़ेगा. देन उसके बाद जैसे कि मैं मिररलेस यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरे को इसका ब्राइटनेस लेवल कम रखना होता है जब मैं आउटडोर पे होता हूँ टू सेव द बैटरी. और मैं कैमरे में बार बार चेक भी नहीं करता कि इमेज कैसी आई है कैसी नहीं है, बिकॉज मिररलेस में इतना पता लग जाता है व्यू फाइंडर के थ्रू. तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि ब्राइटनेस लेवल, डिस्प्ले ब्राइटनेस का, जैसे यहाँ पे है. बट ये सब करते हुए मेरा बहुत टाइम लग रहा है. और भी कुछ सेटिंग्स है, जैसे मीटरिंग मोड मेरे को अगर अपने हिसाब से रखना है, मूवी रिकॉर्ड क्वालिटी मेरे को अपने हिसाब से रखनी है, और अगर मैं फील्ड में हूँ मेरे को बार बार चेक करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि यार हम कितनी बार होता है कि हम सेटिंग्स में उलझे रह गए और हमें वो चीज़ मिली नहीं जो हम ढूंढना चाहते थे. तो उसका एक सॉल्यूशन है, वी नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द ऐड माय मेन्यू टैब जो आपको यहाँ माय मेन्यू में मिल जाएगा सेटिंग्स में, एंड क्लिक ऑन इट. ये आपका एक अलग से मेन्यू क्रिएट कर देगा. और जो ये मेन्यू क्रिएट करेगा उसमें यू कैन सेलेक्ट आइटम टू रजिस्टर, यू कैन सॉर्ट रजिस्टर्ड आइटम्स अपने हिसाब से, यू कैन डिलीट सेलेक्टेड आइटम. आपने एक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको दूसरा सेलेक्ट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो. या फिर पूरा टैब आपको डिलीट करना है, उसका ऑप्शन है. पूरे आइटम्स टैब जितने हैं वो डिलीट करने हैं, या टैब को रीनेम करना है. सो फर्स्ट इफ़ वी रीनेम इट टू लाइक कुछ भी हम कर लेते हैं, जैसे कि माय मेन्यू ही इसको रहने देते हैं, माय मेन्यू. ठीक है, ओके कर दिया. अब मैंने आइटम्स इसमें ऐड करनी है, देन आई क्लिक ऑन सेलेक्ट आइटम्स टू रजिस्टर. अब ये लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाएगी जो कि हम यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं. फॉर लाइक ISO मेरे को पहले करना है, देन ISO स्पीड सेटिंग्स में जाके आई विल क्लिक ऑन दिस. उसके बाद मेरे को करना है ड्राइव मोड. ड्राइव मोड मैं देखता हूँ कहाँ है, और ये सारा वन टाइम है, बार बार आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये रहा, जैसे ये ड्राइव मोड है. ठीक है, उसके बाद मैंने ड्राइव मोड ऐड कर दिया है. देन मेरे को मूवी रिकॉर्ड क्वालिटी का करना है, या फिर मेरे को ISO का करना है, मेरे को साथ में इरेज इमेजेस का भी करना है. जो भी है मैंने इनको सबको सेलेक्ट किया. अपने 5 आइटम्स को मैं इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक उसमें एक टैब में 5 आइटम्स को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आई सेटिंग्स को कर दिया, देन मेन्यू में आ गया, मेन्यू में. ठीक है, अब मेरे पास 3 आइटम्स हो गए हैं, 3 और मैं ऐड कर सकता हूँ, टोटल 6 आइटम्स मैं कर सकता हूँ. लेकिन अगर मेरे को 2 आइटम्स और फालतू करने हैं तो उस केस में क्या करना होगा? तो उस केस में मेरे को एक और टैब ऐड करने का ऑप्शन भी है. यहाँ पे मैं इसको टैब को अगर ऐड करूँगा तो अगेन मैं फिर अपने हिसाब से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ. और उसके बाद फिर मेरे को कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, लाइक फील्ड में हूँ, ISO चेंज करना है, कुछ करना है, तो मेरे को कहीं भी सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. सीधा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करते ही मेरे सारे जो मेन चीज़ें हैं वो सामने के सामने खुल जाएंगी. और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरी जब भी मैं फील्ड में होता हूँ. सो बस ये 2 से 4 मिनट की सेटिंग्स हैं. कस्टम मेन्यू टैब क्रिएट करना है, उसमें सारी सेटिंग्स ऐड करनी है. इट विल सेव योर एनर्जी, इट विल सेव योर टाइम, इट विल सेव द इरिटेशन, क्योंकि बहुत इरिटेशन हो जाती है यार, शॉट सामने मिस हो रहा है, हम उसे क्लिक नहीं कर पा रहे, क्या करें, पूरा सेटिंग ढूंढने में लगे रहे, इमेजेस डिलीट करनी है. वो उसी टाइम ऐसा होता है, आई एम श्योर सबके साथ होता होगा, उसी टाइम ऐसा होता है कि वो टैब नहीं मिल रहा होता, सामने से आँखों के निकल जाता है और नज़र नहीं आता, फिर उसको दोबारा ढूंढो, ये करो वो करो. तो ट्राई दिस, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. अगर हेल्प ना हो यू कैन DM मी, तो उसको अच्छे से कॉन्फिगर करेंगे. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर.